तो नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ की इस चैनल में मैं आपको हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं जजमेंट राइटिंग इन क्रिमिनल केसेस अर्थात दांडिक मामलों में, आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा या वहां के जज द्वारा किस प्रकार से निर्णय लिखा जाता है, इस वीडियो में इस बारे में बतलाने जा रहा हूं। इसके पहले एक आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। मैंने इसके पहले एक जजमेंट राइटिंग इन सिविल केसेस के संबंध में वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसमें जजमेंट राइटिंग इन क्रिमिनल केसेस में सबसे पहले नॉलेज इज पावर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी दोस्तों आपका ज्ञान कानून के संबंध में अप टू डेट होना चाहिए। और सिविल जजमेंट राइटिंग का मैंने आपका जो वीडियो बनाया है, यह आप CPC की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इस वीडियो को आप CRPC की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब दांडिक क्रिमिनल केसेस में निर्णय किस प्रकार लिखा जाएगा, इसके लिए कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिनका जजमेंट में एक अच्छे जज के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाना आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिविल केसेस के संबंध में जो अधिकार और दायित्वों के विवाद के संबंध में होते हैं, उनमें सिविल केसेस सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि क्रिमिनल केसेस जो है ये किसी भी व्यक्ति के आपराधिक कृत्य को उसके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में जो IPC या अन्य किसी विधि में दंडनीय है और अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे कृत्य के संबंध में दांडिक निर्णय किस तरह होगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सी स्टेजेज हैं, तो इसके लिए मैं बतलाता हूँ। निर्णय के शीर्षक में न्यायालय का जो भी नाम होगा वो पूरा लिखा जाएगा। PO का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, क्रिमिनल केस में जो मजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा। आपराधिक प्रकरण क्रमांक होगा, उसके अलावा दर्ज होने का दिनांक, कब दर्ज हुआ था और पक्षकारों के नाम वगैरह होंगे। इस केस में विशेषता यह है कि पीड़ित की ओर से राज्य सरकार या राज्य शासन के द्वारा अभियोजन लाया जाता है और इसमें उस थाने के भी नाम का उल्लेख कई बार किया जाता है। अभियुक्त तो उसमें एक से अधिक हो सकते हैं, जबकि विक्टिम या जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिसकी प्रति कोई अपराध हुआ है, उस व्यक्ति की ओर से राज्य शासन की ओर से ADPO, जैसा कि मध्य प्रदेश में है तथा कई कई राज्यों में APP, इन्हें सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भी बोलते हैं, वो पैरवी न्यायालय में पीड़ित पक्ष की ओर से करते हैं। निर्णय की तारीख होगी। अब जो मुख्य भाग होगा उसमें आरोप के संदर्भ में, क्रिमिनल निर्णय में आरोप पहले उसका विचारण शुरू के पहले मजिस्ट्रेट उसके चार्जेस या आरोप फ्रेम करेगा और उसको पढ़कर अभियुक्त या अभियुक्तगण जो भी हैं उन्हें सुनाएगा। धारा 211 CRPC के अंतर्गत ये आरोप विरचित होंगे। अभियुक्त के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं उसे पढ़कर सुनाए जाएंगे, वो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। तो सही निर्णय का जो आधार है वो आरोप सही ढंग से मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाए जाए, यह इस पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से IPC में जो ऑफेंस होते हैं वो शरीर और संपत्ति के विरुद्ध होते हैं। शरीर और संपत्ति के विरुद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो अपराध हैं उनमें जिस भी धारा के अंतर्गत अपराध किया गया है, उस अपराध के जो भी आवश्यक तत्व हैं या एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स हैं वो उसमें मामले में साक्ष्य के द्वारा जो कि अभियोजन को सिद्ध करनी होती है, ऑफेंस प्रमाणित करना होता है, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने होंगे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई एक ATM में कैश डालने के लिए वेन जा रही है और जितना भी पैसा उस वेन में रखा हुआ है, ड्राइवर की नियत खराब हो जाने के कारण वो उस कैश को लेकर भाग गया, तो इसमें कई बार पुलिस यही आसानी से नहीं पता लगा पाती कि कौन सी धारा का अपराध घटित हुआ। वास्तव में ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक दुर्विनियोग का मामला है। अभियोजन की फिर इसमें स्टोरी लिखी जाएगी, जो जजमेंट लिखा जाएगा उसमें कोई भी व्यक्ति रात में जैसे उदाहरण के तौर पर किसी घर में घुसा, उसने ताला तोड़ा और वहाँ की घर की संपत्ति को चोरी कर ली, तो इसमें धारा 457 IPC एवं धारा 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस का अपराध होगा। तो इसमें सबसे पहले धारा 457 IPC का तथा उसके बाद धारा 380 IPC का आरोप लगाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। ए और बी ने रात्रि में घुसकर ताला तोड़कर मान लीजिए चोरी की, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। स्वीकृत इसमें ये तथ्य लिखने होते हैं कि क्रिमिनल केस में जहां आरोप लगा के उसे सुनाया गया। ये दो ऐसी स्टेजेज होती हैं
कि जब आरोप लगाया जाता है या तो वो स्वीकार करे या धारा 311 CRPC जिसे अभियुक्त कथन कहा जाता है और अभियुक्त अपने उसका सक्षम साक्षी होता है, इसमें जो भी साक्षियों ने उसके विरुद्ध कहा है उसे पढ़कर ये प्रश्न धारा 313 CRPC के तहत सुनाए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि क्या वह इन बातों को स्वीकार करता है। प्रति परीक्षण के दौरान आए हुए तथ्यों को स्वीकृत नहीं माना जाता है, वो स्वीकृत तथ्य नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन के केस की उस जजमेंट में घटना कैसे घटी, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने किस प्रकार मामले में विवेचना की, केस डायरी लिखी, क्या क्या घटना क्रम के अनुसार उसने साक्ष्य एकत्रित की, किन साक्षियों के कथन लिए, ये सब चीज़ें अभियोजन के केस के बाद चार्जेस क्या हैं, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन आता है जो कि न्यायालय द्वारा विचित किए जाते हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध फलां फलां अपराध हैं और क्या अभियोजन इस मामले में इन आरोपों को प्रमाणित करने में सफल हुआ है कि नहीं। तो वही इन्ग्रेडियंट्स देखने पड़ेंगे जिन जिन धाराओं के अंतर्गत आरोप उसके विरुद्ध हैं, क्या वो प्रमाणित करने में अभियोजन सफल हुआ है कि नहीं। द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। सिविल केस में ये मामला प्रमाणित करने का भार वादी पर रहता है जो दावा लाया है, जबकि अभियोजन के मामले में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रोसिक्यूशन को विक्टिम के तथा आई विटनेसेस के या जो भी उनके पास वैध विश्वसनीय साक्ष्य है अपना मामला न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। तो एसेंशियल अब मैं एक उदाहरण के द्वारा इसे आपको समझाता हूँ। धारा 378 IPC का जैसे कोई चोरी का अपराध हुआ, उसकी परिभाषा दी गई है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं कि कोई भी चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक किसी के आधिपत्य से हटाई गई, बेईमानी से हटाई गई, उसके कब्जे से ली गई, उसकी सहमति के बिना ली गई, तो ये सारे तथ्य अभियोजन को न्यायालय के समक्ष चोरी के मामले में प्रमाणित करना आवश्यक होते हैं। तो इसके बाद जब साक्ष्य से अभियोजन अपना मामला अगर यदि प्रमाणित कर चुका है तो इसमें न्यायाधीश का कार्य मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, अर्थात जो भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई है उसमें से उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य को छांटना होता है। फिर उसके बाद न्यायालय का न्यायाधीश ये देखता है कि वास्तव में वो इन्ग्रेडियंट्स जो कि IPC में दी गए हैं वो प्रमाणित हुए हैं कि नहीं, तब फिर निर्णय लिखा जाएगा। निर्णय के आधार पर यदि अपराधी को दोषी पाता है तो उसे दोष सिद्ध करेगा और यदि दोषी नहीं पाता है तो उसका एक्विटल या दोष मुक्ति होगी। दोष सिद्ध यानी कन्विक्शन होता है जिसमें सजा, इसके बाद दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए दांडिक निर्णय में दोनों पक्षों को सुनवाई का उसमें अवसर दिया जाता है। दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए एक तारीख तय की जाती है और उस दिन दंड के विषय में अपराधी तथा अभियोजन को सुना जाता है। हियरिंग फॉर पनिशमेंट डेट फिक्स रहती है, ट्रायल कोर्ट में डेट फिक्स की जाती है, जबकि ऊपर के वरिष्ठ न्यायालय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निर्णय में समय लगता है क्योंकि उसमें अपराध की गंभीरता तथा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस आदि के बारे में भी वरिष्ठ न्यायालय विचार करते हैं। तो इस प्रकार मैंने सरल भाषा में जजमेंट राइटिंग इन क्रिमिनल केसेस के बारे में, दांडिक मामलों में निर्णय कैसे लिखा जाता है, आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।